करते हैं इस कार्यक्रम को जिसका नाम है चाइल्ड स्पेशल और जीवन उत्साह पर। इस खास पेशकश में मैं आज आपके बीच में लेकर आ रहा हूं जानवी लखनपाल। जानवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में, चाइल्ड स्पेशल प्रोग्राम में। और हमने आपको इसलिए चुना है कि एक तो आप इजिली अवेलेबल हैं हमारे सामने, आप इजिली अवेलेबल हो जाएंगे, आप बहुत सारे प्रश्न भी करते रहते हैं जिंदगी में, तो उन्हीं प्रश्नों के हम उत्तर भी आपको देने का प्रयास करेंगे। और आपके इन प्रश्नों की वजह से और जो बच्चे हैं, आपकी उम्र के हैं, आपसे बड़े हैं, आपसे छोटे हैं, जो इस तरह के प्रश्नों पर कई बार कंफ्यूज रहते हैं या पेरेंट्स नहीं बता पाते हैं, तो इन प्रश्नों के जवाब भी उनको मिलेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप आज से अपने मन में कोई भी प्रश्न जो आपको लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स से या अपने समाज से या अपनी जिंदगी के बारे में पूछना चाहिए, आप पूछना शुरू करें। तो जी, ये प्रेजेंट करें जानवी को और शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को हम। पहले तो मेरे मन में जो क्वेश्चन आता है वो है कि जो टीनेजर्स होते हैं वो उनको टीनेजर्स क्यों कहते हैं? जैसे अब आप कितने भी हो, इसके मैं 13 इयर्स की होने वाली हूँ, अभी मैं 12 की हूँ, मुझे 12 बोलेंगे, बट जब मैं 13 को जाऊंगी उसके ऑनवर्ड्स मुझे टीन बोलेंगे। और उसके बाद जो टीनेजर्स होते हैं मतलब उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और साथ ही साथ में वो फोन एडिक्शन से बहुत ज्यादा रिलेटेड। चलिए, पहला जो आपका प्रश्न है वो जानवी बहुत अच्छा है और आज हम उसी प्रश्न पे बात करेंगे कि 11 आता है, 12 आता है, उसके बाद 13 आ जाता है और ये 13 से लेकर 19 तक रहता है और 19 तक जाने के बाद ये 20 हो जाता है। इन जो टीन है वो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ओनली 7 इयर्स का है, 7 इयर्स तक ये टीन एज रहती है। अभी आपको इसको समझना है, ये जो उम्र है, जैसे कहते हैं ना कि हमारे बच्चे जो होते हैं उन्हें हमें 8 साल तक बहुत केयरिंग देनी चाहिए, मतलब उनके ऊपर उनको सिखाना चाहिए, उनको मतलब देना, और 8 से 12 साल तक उनको बहुत प्यार देना चाहिए। लेकिन जब 13 एज के हो जाते हैं तो फिर उसको सही और गलत की परख करना सिखाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि ये जो एज होती है, जैसे टीन एज इसको आप बोलते हैं, बेसिकली ये वो एज है जहां पर हम जो बच्चों के अंदर डालेंगे, जिस तरह की हैबिट्स, जिस तरह की चीजें उनके अंदर डालेंगे, ये वही चीजें उसकी पूरी जिंदगी के लिए काम करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आप मान लीजिए अपने बच्चे को स्पिरिचुअल बनाना चाहते हैं, थोड़ा अध्यात्म की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो 12 इयर्स के बाद में उसको अध्यात्म की शिक्षा देना शुरू कीजिए। उसको भगवान के बारे में बताइए, कैसे उसको वर्शिप करनी होती है, कैसे उसको मतलब आस्था पूर्वक चीजों में उसको इन्वॉल्व करिए। तो और दूसरा, जो बुजुर्ग होते हैं हमारे दादा परदादा होते हैं, जैसे घरों में बड़ी समस्या होती है कि दादा दादी जो होते हैं वो बच्चों को डांटने नहीं देते हैं, अरे इसको नहीं डांटना है, इसको नहीं डांटना, ऐसा बोलते हैं ना। तो 12 वर्ष तक की उम्र तक भले ही दादा दादी बच्चों को ना डांटने दें, लेकिन आफ्टर 12 इयर्स बच्चों के बीच में अगर माँ बाप डांट रहे हो तो दादा दादी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये वो एज है, जैसे एक घड़ा होता है ना, उस घड़े को जब हम पकाते हैं तो उस पकने के बाद तो फिर उसको कुछ नहीं कर सकते आप, पकने से पहले आप उसकी जो शेप दोगे, जो उसको बनाओगे, वो सब चीजें उसके साथ काम करेंगी। रंग तो आप पकने के बाद भी कर सकते हो, उसका जो डेंटिंग पेंटिंग है वो बाद में भी कर सकते हो, लेकिन 13 एज से लेकर 19 एज तक दुनिया के जितने भी बच्चे हैं या जितने भी लोग हैं, अगर उनको कोई बुरी आदत पड़ी तो 13 ईयर के 19 साल के बीच में पड़ी। अगर उनका जिंदगी में कोई एक्सपोजर हुआ तो इस एज के बीच में उसको एक बड़ा शेप मिला। क्योंकि देखिए क्या होता है, एक फिजिकल चेंज होते हैं, 13 साल के बाद उम्र में फिजिकल चेंज होने शुरू हो जाते हैं, जो बचपन होता है वो थोड़ा सा एक मैच्योरिटी में आना शुरू हो जाता है और 18 साल की उम्र तक जाते रहते, इसीलिए सरकार ने भी एडल्ट एज डिक्लेयर कर दी होती है कि 18 साल कंप्लीट होते हुए एडल्ट माना जाता है। तो ये जो एज है बेसिकली ये एक ग्राउंड, जो बेस बनाना होता है, पिलर्स भरने होते हैं हमारे, जैसे मकान के ना नींव भरनी होती है, ये 13 से 18, 19 साल तक की उम्र है वो नींव भरने की है। जितना अच्छा हम इसको बनाएंगे उतनी ही बिल्डिंग मजबूत बनेगी, उतना ही बच्चे के अंदर संस्कार और सारी चीजें पूरी जिंदगी काम करेंगे। तो आपको ये बात समझ में आई कि इस एज का क्या मतलब है? आप इस प्रश्न से जो आपने किया है, जो आपको बात मैंने बोली है, आप समझ गए इसका मतलब क्या हुआ जी? तो मुझे थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या मतलब हुआ इसका, क्या मैंने जो समझाया आपको, क्या समझा आपने? आपने समझाया कि जो बच्चे होते हैं वो 12 इयर्स के बाद अपनी
मतलब पूरी जो भी उनकी आदत है वो अपने पेरेंट्स से एक तरह की सीखते हैं। पेरेंट्स से, समाज से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, जो आपके सराउंडिंग्स में हो रहा है वही तो आप सीखोगे, वही तो आप अडॉप्ट करोगे। बट अगर आपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी एक तरह की, जब आपने एग्जांपल दिया कि आप घड़े को शेप दोगे, वैसे भी पेरेंट्स को कैसे भी करके, चाहे बच्चों को कितना भी समझा के, उसको अच्छी शेप देनी है। और सबसे अच्छी बात है कि इस एज के अंदर जो आदतें डेवलप होती हैं, ये आदतें पूरी जिंदगी व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ती हैं। इसलिए अच्छी आदतें इस उम्र में डालना सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों को संस्कार, मॉरल वैल्यूज, दादा दादी की कैसे सेवा करनी, माँ बाप का कैसे कहना मानना, समाज में कैसे रिस्पेक्ट से बात करना, मुंह से कोई गाली गलोच नहीं करना, किसी चीज का एडिक्ट ना होना, दीज ऑल द थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस एज। तो आप समझिए सारी चीजें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने हमसे सवाल पूछा और कल फिर हम आपसे मिलेंगे इसी चर्चा को लेकर। कल का सवाल आप तैयार रखिएगा, या फिर अपने व्यूअर से कह दीजिए कि कल कुछ सवाल वो बोलें ताकि बच्चों के अंदर किस तरह से हम चीजें कर सकते हैं, बताएं। तो सबको प्लीज कमेंट करना कि आप अपने बच्चों से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन करना चाहते हैं। आप कभी यार नहीं बता पाते तो आप हमें बताए क्वेश्चन और हम आपको उनका आंसर दे देंगे। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का, इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू जानवी। थैंक यू पापा जी।